दोस्तों आपने चक्की डोल पार्ट 1-2 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे चक्की डोल को ले जाता है और गुल्ली उसको बचा भी नहीं पाता। चक्की डोल शोन को एक सीक्रेट जगह पर ले आता है जो कि इसी की बनाई हुई थी, और इधर दो मॉन्स्टर यहाँ पर पैरे पर खड़े हुए होते हैं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे ये तो कोई डॉक्टर है जो कि यहाँ से जा रहा है, लेकिन आखिरकार ये कहाँ पर जा रहा है? थोड़ी ही देर बाद ये यहाँ पर पहुँच जाता है। अरे ये तो मॉन्स्टर खड़े हुए हैं। तभी मॉन्स्टर इसे रोकता है और इसे कहने लगता है, अबे ओ, आगे नहीं जा सकते तुम, यहाँ पर हम पैरा दे रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, जलाकर राख कर दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी ये डॉक्टर कहता है, अरे मेरा नाम डॉक्टर सोडा है, मुझे तुम अंदर ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे, मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से पहले भी पाला पड़ता रहता है। तभी ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से कहता है, अबे ओ नंबर 2, जरा इसको दिखाओ अपना जलवा, और इसको खिलाओ तुम गरम गरम हलवा, मुझे लगता है ये हमें नहीं जानता, जरा इसको दिखा दो अपना कमाल। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, अरे तुम टेंशन ना लो, अरे इसको मैं कर दूंगा धोती फाड़ कर उबाल, और ऐसा दिखाऊंगा कमाल कि सिरा सोची ना होगी, और अब तुम देखो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अरे इन्होंने तो डॉक्टर सोडा की हालत खराब कर दी। तभी दूसरा मॉन्स्टर पानी में कूदता है, ये पानी तो लावा में बदल गया। तभी इसको इसमें फेंका जाता है, बेचारा जलकर राख हो जाता है। अरे ये तो कोयला बन चुका है, अरे ये तो कलवा बन चुका है। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, ये बन गया टेंगे टेंगे, अब जल्दी से चलो हमें पैरा देना है। अरे बाबा किसी से बात कर रहे हैं, दरअसल बाबा के दोस्त की कॉल आई हुई है जो कि बाबा को अपने घर बुला रहा है, उसको अर्जेंट बाबा से कोई काम है, लेकिन अगर बाबा चले गए तो बेचारा गुल्ली कहाँ जाएगा। गुल्ली तो इसी की तरफ आ रहा है, लेकिन बाबा तो आगे का प्लान बनाकर खड़े हुए हैं, और बाबा ने आगे वादा भी कर दिया कि बाबा थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जाने वाला है। लेकिन बाबा जाएंगे किस पे? अरे बाबा की तो यहाँ पर कोई गाड़ी ही नहीं खड़ी हुई और ना ही कोई स्कूटर खड़ी हुई है, अभी आपको पता चल जाएगा। तभी बाबा किसी को बुलाने लगते हैं। अरे बाबा किसको बुला रहे हैं? बाबा ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से कोई चीज आने वाली है। अरे ये तो बादल है जो कि काफी दिनों बाद आ रहा है। तभी ये बाबा के पास आने लगता है, बादल नीचे उतरता है और फिर उतरते साथ बाबा को सलाम करता है। बाबा इसको कहते हैं, हमेशा खुश रहो, तुम हमेशा से मेरी बात मानते हो, अब जल्दी से मेरे दोस्त के पास लेकर चलो। तभी बादल कहता है, अरे बाबा मैंने आपको कभी मना किया है? चलो बाबा आपको लेकर चलता हूँ, आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। तभी बाबा इस पर बैठ जाते हैं और बादल से कहने लगते हैं, चलो बादल जल्दी से मुझे ले चलो। बादल हवा में उड़ जाता है और बाबा को लेकर वहाँ से चला जाता है। बादल बाबा की हर बात मानता है, लेकिन दोस्तों आप नहीं मानते, अगर आप मानते होते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते होते। बादल और बाबा के जाने के बाद तभी वहाँ पर गुल्ली आ जाता है। अरे गुल्ली लेट हो चुका है, रिसेंटली बाबा निकल चुके हैं, लेकिन गुल्ली ये बात नहीं जानता। अगर गुल्ली थोड़ी देर पहले आ जाता तो बाबा यहीं पर होते, लेकिन अब बाबा जा चुके हैं अपने दोस्त के घर। ये गुल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, गुल्ली थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ जाता तो बाबा को यहीं पर पाता। तभी गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बाबा नजर नहीं आ रहे। गुल्ली ट्रक से नीचे उतर आता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है। गुल्ली ये नहीं जान पा रहा कि बाबा यहाँ पर हैं या फिर नहीं। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है कि बाबा आखिरकार चले कहाँ गए। अरे ये टेबल और कुर्सियाँ तो बाहर ही पड़ी हुई हैं, इसका क्या मतलब कि बाबा यहीं कहीं हैं? गुल्ली के दिल में ये बात आती है। गुल्ली काफी ज्यादा शांत हो जाता है। तभी गुल्ली सोचता है, क्यों ना जाकर अंदर देखा जाए, कहीं बाबा सो ना रहे हों, क्योंकि अभी रात हो रही है, लेकिन बाबा इतना जल्दी थोड़ी ना सो जाते हैं। तभी गुल्ली बाबा की कुटिया के अंदर जाने लगता है। गुल्ली इधर अंदर आ जाता है, लेकिन बाबा तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन गुल्ली छत पे क्या देख रहा है?
अरे बाबा कोई चमगादड़ है जो कि यहाँ पर लटके हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। गुल्ली काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, जो कि पहले भी हुआ था। तभी गुल्ली यहाँ से बाहर आने लगता है। गुल्ली की कुंडली इसके साथ नहीं है, गुल्ली को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। तभी गुल्ली बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन बेचारा गुल्ली सोचता तो क्या सोचता, ये तो सारा कुछ अचानक से हुआ है। चक्की डोल उसको लेकर चली गई थी। तभी गुल्ली अपने ट्रक की तरफ आने लगता है। अब ये बुल्ली की तरफ जाएगा, क्योंकि अब एक ही रास्ता बचा है बुल्ली की तरफ जाने का, क्योंकि बुल्ली को बचाना होगा और बुल्ली को बताना भी होगा। पोठीबाज शुंग को चक्की डोल ने पकड़ लिया है, इसलिए गुल्ली यहाँ से जाने लगता है। अब इन दोनों को साथ साथ रहना होगा, इसलिए गुल्ली यहाँ से जा रहा है। लौटकर बाबा के घर जरूर आएगा, लेकिन बुल्ली को साथ लेकर। इधर बुल्ली ने सारी लकड़ियाँ दोबारा से सेट कर दी है और बुल्ली काफी ज्यादा खुश है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे इसने सारी लकड़ियाँ तोड़ दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, वो भी वीडियो काफी ज्यादा मजे की बनी थी। इधर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एक चीज देखकर। अरे आखिरकार ऐसा इसने क्या देख लिया है, चलो हम भी देखते हैं। अरे यहाँ पर तो दरख्त के नीचे एक बहुत ही बड़ा खंजर है, लेकिन ये खंजर किसका है और क्यों नजर आ रहा है? अरे मुझे तो ये चक्की डोल लग रहा है। इधर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये खंजर किसका है। तभी बुल्ली इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अरे बुल्ली को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे वो चक्की डोल है जिसकी तरफ बुल्ली जाता जा रहा है। अरे बुल्ली की ये सबसे बड़ी गलती है, बुल्ली को ऐसा नहीं करना चाहिए। पोठीबाज शोन पहले पकड़ा जा चुका है और मुझे लगता है अब बुल्ली की बारी है। तभी बुल्ली इधर देख रहा होता है और बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे यहाँ पर तो कोई चीज नहीं है कि तभी अचानक से इसके पीछे चक्की डोल आ जाता है। तभी बुल्ली चक्की डोल को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये उसको बहुत ही जोर से खंजर मार देता है। बुल्ली यहाँ पर गिर जाता है। अरे ये चक्की डोल तो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा डरावनी है। तभी यहाँ पर बेचारे बुल्ली का खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो यहाँ पर पहुंचा ही नहीं और बुल्ली को भी इसने गिरफ्तार कर लिया। तभी ये चक्की डोल इसकी तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर गुल्ली भी आ जाता है, लेकिन गुल्ली ने आने में देर कर दी है। गुल्ली पकड़ा जा चुका है और चक्की डोल उसको अपने घर ले गया है। गुल्ली अब अकेला बच चुका है। दोस्तों आप उसका साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेचारा गुल्ली अब अकेले बच चुका है। इधर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है जिसपे गुल्ली की नजर नहीं पड़ी। अरे ये तो चक्की डोल है जो कि यहाँ पर दोबारा से आ चुकी है, लेकिन अब ये किसको ले आई है? यकीनन ये बुल्ली को ही ले आई होगी। अरे वाकई ये तो बुल्ली है और बुल्ली का काफी ज्यादा खून निकल चुका है और इसको गहरा घाव बन चुका है। अब ना जाने बेचारे बुल्ली के साथ क्या होगा। और पोठीबाज शोन भी इसके कब्जे में है। अरे ये चक्की डोल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों क्या होगा इन दोनों का, क्या ये दोनों बच पाएंगे? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या बाबा और गुल्ली आपस में मिल पाएंगे? क्योंकि अगर वो दोनों नहीं मिलते तो ये दोनों नहीं बच पाएंगे। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।